ये नज़ारा तो आपके लिए नया नहीं है, इट्स बिन मैनी टाइम्स बिफोर। जब भी कहीं बाहर निकलना होता है, लंबी राइड के लिए निकलना होता है, दिस इज इतना तो सामान होता ही है अपने पास। देयर आर सम रीजंस फॉर दिस। एक तो मैं कभी अकेला ट्रैवल नहीं करता, मोस्ट ऑफ द टाइम्स में और प्रियंका साथ में ट्रैवल करते हैं, तो दोनों का सामान होता है। प्लस अपने को लैपटॉप कैरी करना पड़ता है हमेशा, बिकॉज राइड एक दिन का कभी होता नहीं है। अभी आज भी निकले हैं, 17 दिन का राइड है, तो 17 दिन का डेटा पूरा जितना भी शूट करेंगे वो सब तो फोन में गोप्रो में उतना मेमोरी नहीं है, तो लैपटॉप कंपलसरी चाहिए। वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन वंस अगेन टू आवर चैनल। यू आर वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स एंड देर कैन नॉट बी अ बेटर टाइम टू बी वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर्स, बिकॉज आज हम जहाँ निकले हैं, स्पेशली आफ्टर दिस कोविड पैंडेमिक, आफ्टर नहीं बोल सकते, ड्यूरिंग दिस कोविड पैंडेमिक अभी भी सब कुछ चल ही रहा है, बट लॉकडाउन उठ गया है, बहुत से प्लेसेस ओपन होना चालू हो गया है। एंड टुडे वी आर लीविंग फॉर उत्तराखंड, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बहुत से प्लेसेस कवर करने, ऑलमोस्ट पूरा उत्तराखंड कवर करना है। दिस इज गोइंग टू बी वन हेक ऑफ अ राइड। 17 दिन में 5000 किलोमीटर का ये राइड, उसमें कम से कम 3 ट्रैक हम करने वाले हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग सीरीज ऑन आवर चैनल। आज की तारीख है 3rd of October 2020। द टाइम राइट नाउ इज अराउंड 6:45 इन द मॉर्निंग एंड वी आर ऑल सेट टू लीव। पूरा लगेज माउंट हो चुका है, बस अपने को अभी राइडिंग गियर्स पहनने और यहाँ से निकलना है। एक्चुअली मैंने सोचा था कि ये करजत तक का रास्ता नहीं दिखाऊंगा आज, क्योंकि वो खराब रास्ता है, इतना टाइम लगता है, ये सब तो आपको पता है, अभी वापस क्यों दिखाओ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार अगले कम से कम 2 व्लॉग में आपको खड्डा नहीं दिखने वाला है, तो अच्छी बात ये रहेगी कि थोड़े से खड्डे देख लो पहले, मजे ले लो खड्डों के भी, क्योंकि अब के बाद एटलीस्ट दिल्ली या मेरठ क्रॉस करने तक तो अपने को खड्डे नहीं दिखने वाले। एंड इट्स टाइम टू से गुड बाय, टाटा बाय बाय, सी यू टू करजत। मिलेंगे 16-17 दिन के बाद। टैंक फुल हो गया, मीटर ट्रिप 0 पे सेट हो गया और अभी ये हम लगे हाईवे। सो लेट मी टेल यू, आज का अपना सफर है टोटल 580 किलोमीटर्स का। यहाँ से अहमदाबाद तक जाना है। इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर चला, ऐसा कसा उड़तो बाबा। बाय द वे, आपको पता है क्या कोई मिल गया वाला कसौली टाउन किधर है? अगर पता है तो कमेंट करके बताओ, कभी ना कभी उसका भी प्लान करेंगे। बहुत पसंद आया था जब से मूवी देखी थी और भूल गया था एक्चुअली मैं उसको सर्च करना, अभी गाने से याद आया। पता है तो बताओ कमेंट करके कहाँ पे है ये टाउन। बस ये आगे के 20 किलोमीटर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। अभी राइट नाउ वी आर इन मुलुंड, ऐरोली रूट से आए, अभी मुलुंड से थाने, थाने से घोड़बंदर रोड से बाहर निकलेंगे। यहाँ से घोड़बंदर जंक्शन तक अगर ट्रैफिक मिलेगा ना तो बहुत टाइम निकल जाएगा, अगर ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो एकदम मस्त निकल जाएंगे, फिर आगे कोई टेंशन नहीं है ट्रैफिक का। एज एक्सपेक्टेड थाने सिटी से क्रॉस करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। इनफैक्ट आज तो ऐरोली ब्रिज से घोड़बंदर ब्रिज तक आधे घंटे से भी कम टाइम में आ गए, इतना फास्ट तो कभी नहीं आए थे इससे पहले। एनीवेज उसके बाद भी एकदम क्लियर एंड क्लीन हाईवे था, तो और भी आगे निकल आए। अभी हम लोग ऑलमोस्ट मनोर पहुंचे हैं। ब्रेकफास्ट हो चुका है यहाँ पे, आधे घंटे से भी ज़्यादा का हॉल्ट हुआ। राइट नाउ इट्स अराउंड 11:15, लेकिन यहाँ पे रुकने के 2-3 रीजन्स थे। वन रीज़न वॉज यहाँ पे मैकडोनल्ड्स है, नॉट बिकॉज वी वॉन्टेड टू हैव ब्रेकफास्ट फ्रॉम मैकडोनल्ड्स, बट जहाँ पे भी मैकडोनल्ड्स है वहाँ पे क्लीन वॉशरूम होता है, ये मेरा ट्रस्ट है, और आज भी वो ब्रेक नहीं हुआ। और जब भी प्रियंका साथ में होती है, इनफैक्ट जब भी आपके साथ कोई फीमेल अगर ट्रैवल कर रहा है तो आपको क्लीन वॉशरूम्स इज अ रिक्वायरमेंट, तो मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ अगर वॉशरूम के लिए रुकना है मैकडोनल्ड्स जहाँ पे भी दिखे रुक जाओ, इट इज़ बेस्ट। दूसरी बात, यहाँ पे रुकने का और एक रीज़न था, 130 किलोमीटर के राइड में मैडम ने एक करिश्मा किया है ये तुझ संग त्याच्या बदल, तो ये है स्टार ऑफ द डे। हेलो हेलो मैडम ने मस्त झोप काढलेली आहे गाडीवर। एनएचएट फेवरेट आहे माझा, एनएचएट एवढा फेवरेट आहे ना की प्रत्येक वेळी कुठेही जाताना एनएचएट वर एकदा तरी झोपते, आता पण झोपली मस्त, पाठीमागे असा तोल गेला तेव्हा जाग आले मॅडमना, झोप पूर्ण झाली।
फायनली फायनली जो पूर्ण झाली की ती गर्वानी सांगते. आता इथून पुढे परत झोपणार आहे का? अभी यहाँ से निकलेंगे तो महाराष्ट्र बॉर्डर मतलब चारोटी वाला जो बॉर्डर है वो अनदर आई थिंक 80-90 किलोमीटर्स कुछ तो है. तो नेक्स्ट हॉल्ट मोस्ट प्रोबेबली गुजरात में ही होगा अपना. वैसे तो ये मुंबई अहमदाबाद हाईवे भी खूबसूरत लोकेशंस और नज़ारों से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जनरली हम सब इतने स्पीड में चलते हैं ना कि आजू बाजू में देखने की किसी को फुर्सती नहीं होती. लेकिन आज हमने ये सारे नज़ारे आपके लिए कैद कर लिए हैं. ये महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर कितनी बार बाइक पे क्रॉस की है इसका तो कोई काउंट नहीं है. थांबतच नाही. तुम्हाला थांबायचं तर थांबा. एनीवेज एज आई सेड वी आर इन गुजरात. वापी से नवसारी इज 70 किलोमीटर 70-75 समथिंग. अभी बजे है 2. एक घंटे में नवसारी पहुंच जाएंगे अगर नॉनस्टॉप जाते हैं तो. नवसारी में मोस्ट प्रोबेबली लंच के लिए रुकेंगे अभी. ये नवसारी सिटी के एंट्रेंस पे ही है होटल फन सिटी. इससे पहले भी रुका हूँ यहाँ पे. अच्छा रहता है खाना. चलो अभी थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं फिर बातें करते हैं. अ लिटिल बिट लेटर देन यूजुअल लेकिन बहुत सही टेस्टी और थोड़ा सा हेवी लंच हो गया है. बाय द वे यहाँ पे फन सिटी में अगर कभी आते हो ना NH8 पे नवसारी में यहाँ का दम आलू ज़रूर ट्राई करना अगर आपको तीखा पसंद है तो. बिकॉज इट वॉज हेल हॉट बट बहुत टेस्टी था. उसके चक्कर में तो एक चपाती ज़्यादा खा ली मैंने और अभी 300 किलोमीटर और राइड करना है. होपफुली नींद नहीं आएगी. वैसे यहाँ पे ऑन द गो मेडिकेशन चल रहे कुछ तो. हिमोग्लोबिन वाढवत राईड का चालू आहे. हिमोग्लोबिन आहे तुझ्याकडे? वाढवत नाही क्रिएट करत नाहीच आहे हिमोग्लोबिन काय. एनिवेज नवसारी इज एक्झॅक्टली हाफ वे फ्रॉम कर्जत टू अहमदाबाद. ये जो रूट है ना 580 किलोमीटर्स अपने घर से अहमदाबाद, उसमें से 290 हो चुका है और 290 अभी और जाना है. और बाय द वे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ब्लॉग एंड एवरी ब्लॉग इन द सीरीज मैं आपको रूट के बारे में और एक्सपेंसेस के बारे में प्लानिंग के बारे में थोड़े थोड़े टिप्स भी देने वाला हूँ. तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग दोज थिंग्स तो एंड तक जरूर बने रहिए. लंच करके निकलने के बाद तुरंत रुकना पड़ा 5 किलोमीटर में वापस क्योंकि पेट्रोल भराना था. तो इस टाइम पेट्रोल बैठा 10.67. यहाँ पे प्राइस है 78.1. सुबह 900 का पेट्रोल बैठा था अभी 840 का बैठा. एक्चुअली सुबह 10.27 था अभी 10.67 है. मतलब पेट्रोल अभी ज़्यादा बैठा है पैसा कम गया. यही फ़र्क है महाराष्ट्र और गुजरात में. वेलकम टू नर्मदा ब्रिज टोल प्लाजा. भरूच का ये नया नर्मदा ब्रिज वैसे इस पूरे हाईवे की हाईलाइट है और इसके नज़ारे मिस कर जाना हमें तो मंजूर नहीं था. तो चलिए इस नर्मदा ब्रिज के सफर करते हैं खास काउंटिंग किलोमीटर्स के नजरिए से. भरूच से निकलते निकलते ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम हो चुका था. सो वी डिसाइडेड कि आज सूरज दादा को गाड़ी चलाते चलाते ही बाय बाय करते हैं और जो बचे हैं 200 किलोमीटर वो फटाफट भगाते हुए अहमदाबाद पहुंच जाते हैं.
एज ऑलवेज ये बड़ोदरा टू अहमदाबाद जो रूट है इसने सारा डीले कवर करा दिया। 110 किलोमीटर वडोदरा टू अहमदाबाद वी डिड इन 70 मिनट्स एक्जैक्टली। सो अभी अहमदाबाद के रिंग रोड पे टच कर लिए हैं। सो टेक्निकली वी कैन से आवर राइड फॉर टुडे इज ओवर। अभी सिर्फ होटल ढूंढना है और चेक इन करना है। तो आई थिंक सीधा अभी होटल के रूम में पहुंच के सामान वगैरह सब अनलोड करके ही फिर गपशप करेंगे। मिलते हैं होटल में। एज यू नो रात को 9 बजे हम लोग पहुंच गए यहाँ पे अहमदाबाद में। रूम चेक इन कर लिया। वी गॉट अ नाइस रूम, कोजी वगैरह या डिलक्स नहीं बोल सकते इसको, बट अच्छा रूम है। एसी रूम 700 रुपये में मिल गया है, विच इज नॉट बैड, नॉट एट ऑल बैड कंसिडरिंग द लोकेशन। इट इज राइट ऑन द रिंग रोड, मतलब कल सुबह उठ के बाइक पे बैठ के सीधा रास्ते से निकलना है। 10 मीटर भी जो हमारा रूट है उससे अंदर नहीं आया हम लोग। सो 700 फॉर एसी रूम इज एब्सोल्युटली एक्सेप्टेबल। स्पीकिंग ऑफ द एक्सपेंसेस, आज का ब्रेकफास्ट लंच डिनर तीनों का हमारा एक्सपेंस ऑन एन एवरेज 200 रुपये था, मतलब 100 रुपीज पर हेड। सो टोटल 300-300 रुपये दोनों का गया, 600 और 700 रुपये रूम का, मतलब 1300-1400 रुपये के आसपास कुछ तो खर्चा हुआ है टोटल, एक्सेप्ट फॉर पेट्रोल। पेट्रोल का तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, 1700 रुपये समथिंग पेट्रोल गया टोटल 600 किलोमीटर के लिए, विच इज अगेन बाइक इज गिविंग गुड एवरेज, 28-29 के आसपास एवरेज मिल रहा है। अभी देखेंगे अभी कल आगे चल के क्या हो रहा है, एक्सपेंस कितना और जा रहा है और क्या क्या मजा आ रहा है, क्योंकि आज आपने जो NH8 की ब्यूटी देखी ना, कल हम राजस्थान में एंटर करने वाले हैं और राजस्थान इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेट्स इन इंडिया। वैसे डेजर्ट वाला पार्ट तो बहुत अलग है, लेकिन राजस्थान का कल्चर और राजस्थान का हेरिटेज जो है वो ऑलमोस्ट हर गांव में हर जगह पे देखने मिलता है। अभी ये पता नहीं है कि हमें उसमें से कितना एक्सप्लोर करने मिलेगा, क्योंकि 700 किलोमीटर जाना है यहाँ से जयपुर तक। सो टुमारो वी आर एमिंग टू स्टार्ट अराउंड 7:30, सो दैट 14-15 घंटे में रात को 9:30-10 बजे तक हम जयपुर पहुंच जाने चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, जो भी होगा आपके सामने होगा, देखते रहेंगे आप। अगले व्लॉग में आपको सब कुछ देखने मिलेगा पूरे डिटेल्स के साथ और सिनेमेटिक वाइब्स के साथ। सो कल सुबह फिर बाइक पे मिलेंगे, मतलब आपको हम मिलेंगे अगले संडे को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी। कीप काउंटिंग किलोमीटर्स।